Hello everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. Thank you so much for watching. And today I'll be talking about Thomas Hawkleave and John Lydgate. Both of them are not important from UGC Net point of view, but still, because once or twice there have been questions on them, and sometimes they ha they have figured in the options. So maybe that is why we'll talk about them. But in very surface level, we can utna surface level. And before I do that, you can just skip the video for like what seven eight minutes and I'll be talking some general stuff and um, that is based I mean because somebody asked me and I'll be talking about that. Um let's start with that first. So first thing I know that you're doubting if you know whatever you're reading is fine or not. See never nothing will be fine and नो बुक आई मीन जब डब्ल्यू जे लॉन्ग लिख रहे थे आई एम श्योर यू जी सी नेट इंडिया इंडिया में होता भी नहीं था सो ऑब्वियसली दट इट इज़ नॉट रिटन फ्रॉम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सो दट मीन्स दे आर सर्टन थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट इन द बुक फॉर अस एंड सर्टन थिंग्स विच आर पर रेलिवेंट एंड एंड आर नॉट देर इन द बुक पर वो चॉइस फिर हमारी है कि हमें कैसे पता करना है कि कौन सी बुक में क्या पढ़ना है और क्या नहीं है ना वो कहाँ से आएगा पी वाई क्यूज से पी वाई क्यूज़ बहुत अंडर एस्टिमेटेड है मैंने पहले भी बताया है पी वाई क्यूज़ करो अच्छे से करो अच्छे से करने का मतलब समझते हो हर एक हर एक ऑप्शन हर एक ऑप्शन पे आपके पास नोट्स होने चाहिए कितनी डेप्थ में क्वेश्चन है इसकी आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए उतनी डेप्थ में आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली एग्जामिन इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि ओके यू शुड नो दिस इन डिटेल है ना तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है ये जो ये जो आ, और फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक्स में से कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है अब क्या होता है ना ये जो ये ये जो सेल्फ डाउट होता है ये मुझे भी आता था क्योंकि यू नो इवन आई डिड नॉट डू प्रीवियस ए क्वेश्चन इन टाइम मैंने लेट किए थोड़े थोड़े पहले करनी चाहिए थे तो अगर आप वो कर लेंगे ना तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी तो कुछ लोग बोलते हैं यार पी वाई क्यूज़ में टाइम वेस्ट जाता है लेकिन टाइम वेस्ट दिट इज़ नो टाइम वेस्ट इन पी वाई की, no पी वाई की अगर आपको यही पता नहीं है कि आपने जाना कहाँ है तो फिर आप किसी भी रोड कोई भी रोड ले लो आप नहीं पहुँचोगे वहाँ मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक डेस्टिनेशन है आपको वहाँ पहुँचना है आप एक एक आप आप टाइम ना वेस्ट करने के चक्कर में बस कोई भी रोड पकड़ ले रहे हो कोई भी रोड पकड़ ले रहे हो कि बस टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए हमें बस चलते रहना है ताकि हम पहुँच जाएँ पर अब चलना सीधा है ना अगर आप इधर उधर जाओगे तो फिर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचोगे और आपको डेस्टिनेशन कौन बताएगा कहाँ है पी वाई क्यूज़ पी वाई क्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये गलती प्लीज़ मत करना आप रिग्रेट करोगे बाद में फिर आपको मतलब अभी शायद नहीं पता चलेगी ये बात पर बाद में समझ आ जाएगा कि पी कितने इंपॉर्टेंट थे मेरी तरह मुझे भी थोड़ा लेट समझ आया बट थैंकफुली मुझे पेपर से पहले समझ आ गया था तो मैं बच गई लेकिन आ, ये समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी वाई क्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है आप खुद सोचो यार जो एग्जामिनर है जब वो एग्ज़ाम पेपर बनाएंगे तो उन्हें भी तो कुछ डायरेक्शन चाहिए ना उन्हें भी तो पता होना चाहिए क्या पूछना है वो ऐसे ही थोड़ी कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन डाल देंगे तभी तो पी वाई क्यूज़ रिपीट होते हैं रिपीट नहीं होते पर इंस्पायर्ड होते हैं क्वेश्चन पी वाई क्यूज़ से क्योंकि एग्जामिनर ने भी पी वाई क्यूज़ देखे हैं आप कई बार देखोगे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसे एक पर्टिकुलर टाइप पूछा है अगले साल कुछ उससे सिमिलर और पूछा है लेकिन वो चीज़ हमें एज स्टूडेंट्स पता नहीं चलती है क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती पर एग्जाम जैसे एग्जामिर है उनको उस 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 क्वेश्चन को देख के कुछ और याद आ जाता है जो उस चीज़ से बहुत रिलेटेड होता है वो वो क्वेश्चन पूछ देते हैं तो हमें उसका नहीं पता लगता कोई बात नहीं वो नहीं पता लगेगा वो किसी को भी पता नहीं चलेगा पर जो बिल्कुल एपरेंट है वो तो पता होना चाहिए आपको आपको एम सी क्यू पी क्वेश्चन इतने अच्छे से करने हैं कि आपको पता हो और एक पी पेपर करने के लिए दो तीन दिन आराम से लगते हैं सिर्फ एक सिंगल पेपर सॉल्व करने के लिए और वो टाइम उसको देना है इट दैट टाइम है ना ऐसा नहीं सोचना है कि टाइम वेस्ट है या इससे तो मैं कुछ पढ़ लूँ अच्छा ये भी अलग तरीका है ये यही मैं भी करती थी कि क्या करूँगी पहले सोर्स पढ़ूँगी जैसे मान लीजिए थॉमस हॉकलीफ लिखे हैं मैंने यहाँ पे थॉमस हॉकलीफ पढ़ लूंगी किसी बुक से नोट्स बना डालूंगी उसके बाद मैं पी वाई की देखूँगी ठीक है थॉमस हॉकलीफ पे क्या क्या आ रखा है फिर मैं देखूँगी हाई मेरे नोट्स में तो कुछ आया ही नहीं हाई बुक में से तो कुछ आया ही नहीं फिर मुझे लगेगा ओ माई गॉड दिस बुक इज़ नॉट द राइट बुक एंड आई शुड परहैप्स चेंज माई सोर्स आप करके देख लो आप जितने मर्जी सोर्सेज चेंज कर लो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आएगा ना वो किसी भी बुक से नहीं आएगा मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑब्वियसली बट इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम एनी बुक और फिर जिसने डेविड डिचिस पढ़ी हो जिसने रॉटलेज पढ़ी हो जिसने डब्ल्यू जे लॉन्ग पढ़ी हो सब अल्टीमेटली सेम लेवल पर हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना अलग आएगा इतना तो एग्जामिनर्स भी समझते हैं यार कि एक पर्टिकुलर बुक से अगर वो क्वेश्चन देंगे तो वो एक बायस क्रिएट कर रहे हैं किसी और बुक में अगर लिखा है या किसी और बुक में लिखा है तो यूजली क्वेश्चन ऐसा होता है या तो वो सबको आता होगा वो ईजी है या ऐसा होगा वो किसी को भी नहीं आता होगा लेकिन अगर किसी को जनरल नॉलेज है किसी को बेसिक फंडामेंटल्स जिसके स्ट्रॉग हैं वो आंसर डिराइव कर पाएगा पेपर में ऐसा होगा आप ये देखोगे जब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी ना चीजें आप खुद देखोगे कि कुछ चांसेस आप डिराइव कर सकते हो यू डोंट नेसेसरीली हैव टू नो इट बिल्कुल श्योरली है ना तो एक ये चीज दूसरी चीज ये कि रिवीजन किस लेवल का होना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं डेविड डेचीज पढ़ो पढ़ो पढ़ लो मैंने कभी नहीं पढ़ी पर बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छी किताब है तो पढ़ लो पढ़ लो आपने जो पढ़ना है अल्टीमेटली ऐसा है कि किताब बंद करो आप स्टार्टिंग से सुनाना शुरू करो आपको पूरा पता होना चाहिए किताब में क्या लिखा है आप कर सकते हो तो आप डेविड डेचिज़ करो कुछ और कर सकते हो तो कुछ और भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली ये है कि आपको याद होना चाहिए ऐसा नहीं है कि तीन महीने बाद एग्जाम है दो महीने तो नोट्स ही बना रहे हैं अगर तीन महीने बाद एग्जाम है ना लिटरली बता रही हूँ मैं तो बीस पच्चीस दिन में आपके नोट्स खत्म होने चाहिए क्योंकि पच्चीस दिन आपका बस टाइम कहाँ है आप कब वन आर यू गोइंग टू रिवाइज और आप चाहे नोट्स बना लो आपको याद नहीं रहने वाला है तो अल्टीमेटली एग्जाम में यू आर नॉट गोइंग टू आप नहीं कंपीट कर पाओगे उन लोगों से जिन्होंने अच्छे से रिवाइज़ किया है जैसे थोड़ा याद हो आपने कभी देखा है ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटी का सिलेबस करके बैचलर्स का सिलेबस करके मास्टर्स का सिलेबस करके द फेयर थ्रू वेल अच्छे से निकल जाते हैं वो ऐसा बहुत रेयर केस है अब तो नहीं होता है वैसे एक दो सालों से तो मैंने कोई नहीं सुना पर उससे पहले होते थे ऐसे बच्चे पास है ना क्यों होते थे क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में उस टेक्स्ट को टाइम दिया अब मान लीजिए आपको मान लीजिए रेस्टोरेशन कॉमेडीज़ हैं है ना कोई आपको पता है कि ये पर्टिकुलर वर्क रेस्टोरेशन कॉमेडी है इसके अलावा उसको उस वर्क के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है लेकिन अब आपको अगर आपने एक भी वर्क पढ़ा हुआ है रेस्टोरेशन कॉमेडी पर तो आपको पता है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी किस टाइप की होती है तो आप पेपर में गैस कर सकते हो ये गैसिंग क्यों आई है क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में बड़े डेप्थ में पढ़ रखा था इसीलिए बैचलर्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस करके भी बच्चे पहले पास होते थे अब पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो गया है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो लेकिन आइडिया बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि यू हैव टू हैव टू हैव टू रिवाइज वेरी वेरी प्रॉपर्ली डेविड डे चीज करो डब्ल्यू जे लॉन्ग करो पर जब आपने बोल दिया ना कि आपने ये कर ली है बुक वो तब बोलोगे कि जब ठीक है अब ये बुक कर दी बंद स्टार्टिंग से एंड तक आपको सुनाना चाहिए अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसे मैं बताती हूँ आपको जब मैं नोट्स जब मैंने नोट्स बनाए थे मेरे पास थे अराउंड मतलब पहले एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ था मे में, में एग्ज़ाम था तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम फेब्ररी फिफ्टीन है ना तो उस टाइम पे आई न्यू कि मेरे पास इतना ही टाइम है तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने मई तक नोट्स बनाए उस टाइम पे मैंने लिटरली इतनी मेहनत करके अपना मार्च थर्टी फर्स्ट को कम्प्लीट किया था मेरे को जितना भी होता था उस टाइम पे मेरा सिर्फ ब्रिटिश कम्प्लीट और सिर्फ लिखा था ब्रिटिश और अपना लिटरी थ्योरी कम्प्लीट हुई थी बस ये दो चीज़ें मैंने की थी सिर्फ नोट्स बनाए थे और उसके बाद जो टाइम बच गया मेरे पास अप्रैल का अप्रैल uh, का और uh, मतलब बस अप्रैल का उसमें आई मे आई रिवाइज्ड ओनली रिवाइज मैंने हाफ ऑफ किया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था मतलब आई कुड हैव आई कुड हैव डन कि सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज़ में पढ़ती और बाकी में मैं याद करती लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं जिसके मेरे पास नोट्स थे और मैं याद कर सकती सो so, आपने पर फिर भी ये करना है कि बस जितना भी है आप पच्चीस बीस तीस दिनों में अगर तीन महीने बाद पेपर देना है तीस दिनों में उसको कंसोलिडेट करो कि बस इतना है फिर याद करो और अगर आपको मान लो बीच में ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे याद हो गया अब तो मैं मतलब भूल ही नहीं सकती इस चीज़ को उसके बाद आप फिर से नोट्स बना लो क्या फ़र्क पड़ता है वी डोंट हैव टू बी वेरी प्लान एंड प्लान तो करना है पर इतना भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन होना ही चाहिए आपको सब कुछ बहुत अच्छे से होना ही चाहिए एवरेज तैयारी करो पर उस एवरेज को बहुत अच्छे से तैयार करो आपको पेपर में लगना चाहिए कि मैं भूल नहीं रही हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर में कि आप सोच रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा था कि हाँ पढ़ा था नहीं अगर ये हो रहा है ना पेपर में तो तैयारी में कमी है पेपर में आपने नहीं, सुना ही नहीं है पता ही नहीं है क्या है कोई गिल्ट होने की जरूरत नहीं है ठीक है भाई नहीं पता था पर पढ़ी हुई चीज़ अगर ये याद नहीं आ रही है देन यू हैव टू बी गिल्टी यू शुड फील इट कि नहीं मुझे ये अच्छे से याद होना चाहिए था अगर मैंने इतना टाइम इसको लिखने में सोचने में समझने में बर्बाद बर्बाद तो नहीं पर मतलब लगा दिया है तो मुझे याद होना चाहिए था पेपर में है ना आपको मैं बताती हूँ जब मैंने इस बार पेपर दिया नहीं अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं आती थी पहली बार मैं नाम सुन रही थी पेपर में पर ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगे कि यार ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा ऐसी तैयारी की कमी नहीं छोड़ी थी मैंने मतलब जो आता है वो बहुत अच्छे से आता आना चाहिए उसके बेसिस पे फिर आप डिराइव भी कर पाओगे आपको जैसे मैं अपने नोट्स की बात करती हूँ जैसे मैं एक टाइम पे जब एग्ज़ाम होने वाला था मतलब ऑलमोस्ट आने वाला था फर्स्ट दिसंबर को उस टाइम पर मेरी तैयारी इस लेवल की थी कि मैं बस बुक बंद करती थी आंक मतलब तो सोचती थी स्टार्टिंग से शुरू होती थी बिना बुक देखे कि अच्छा पहले ये आए फिर ऑथर्स के नाम भी खुद ही बोलूँगी बिना बुक देखे फिर उनके वर्क्स के नाम भी खुद ही बोलूँगी क्रोनोलॉजी में बिना बुक देखे फिर डिटेल्स भी खुद ही बोलूँगी बिना बुक देखे फिर मुझे याद आएगा कि इसमें कुछ और भी था कुछ और भी था फिर मैं देख लूँगी कि अच्छा हाँ ये ये था ठीक है ऐसे रिवाइज़ करना है इस लेवल पर आपको पहुँचना है और ये लेवल तभी आएगा जब आपके पास कम चीज़ें होंगी पढ़ने के लिए अगर आप सोचें कि आप दो तीन बुक्स पढ़ रहे हैं और फिर सब में इतनी परफेक्शन पॉसिबल नहीं है ना यार पॉसिबल नहीं है हम सब ऑलमोस्ट बराबर होते हैं ऑलमोस्ट बराबर होते हैं आपके साथ वाला अगर आपको लगता है कि उसे ज़्यादा आता है वो नहीं आएगा बराबर ही आता होता है सबको बराबर आता होता है लेकिन जो जितना आता है ना वो जिसको जितने अच्छे से आएगा ना वो उतने इजीली पेपर में आंसर सॉल्व कर सकता है पता नहीं मैंने आपको ये बताया कि नहीं मुझे याद भी नहीं आ रहा हूँ कि मैंने वीडियो शायद ये तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ दो बार कुछ गड़बड़ हो गई थी तो एक हमारे ना सर कहते थे कि दो तरीके के लोग होते हैं एक जिनके पास एक बकेट ऑफ नॉलेज होती है एक पानी पानी है बकेट में है ना और एक जिनके पास पॉन्ड ऑफ नॉलेज होती है जिसमें भी पानी है तो सब बोलते हैं दोनों में पानी है है ना पॉन्ड में ज़्यादा है बकेट में कम है आप उसमें एक सिक्का डाल दोनों में किस में ढूंढना आसान है ऑब्वियसली बकेट में आप पॉन्ड में कहाँ ढूंढते फिरोगे सिक्का कहाँ गया इसीलिए आपके पास जो आपको कम नॉलेज है ना वो बहुत बेनिफिट करेगी लेकिन वो अच्छे से पता होनी चाहिए सिक्का हमेशा बकेट में ढूँढना आसान है लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको बहुत रिवाइज़ करना है बहुत रिवाइज करना है उस सिंपल सी छोटी सी बकेट को डोंट डोंट रन आफ्टर दिस सोर्स एंड डैट क्विजिस तो यार द टेंशन हो जाती है सच में मतलब एक तो आजकल वो भी होता है ना उसमें एक ऐसे करते हैं कि मतलब uh, इतने लोगों ने सही किया इतने लोगों ने सही किया गलत इतने किया फिर तो डाउट होने लगता है यार अपने ऊपर कि पता नहीं लोग कितने इंटेलिजेंट हैं उन्हें कितना आता है कोई वो नहीं है रख, कुछ नहीं है पता हमें क्या पता कौन अपने आप कर रहा है कौन देख के कर रहा है वी डोंट नो ना सो ट्रस्ट योर आपको जो ठीक लगता है वो करो पर चेंज नहीं करनी अपनी स्ट्रैटेजी बार बार मैंने आपको प्लानिंग करना बता दिया है प्रीवियस वीडियो में प्लान करो आपके पास एक दिन में देखो कि बस कितना टाइम है किसी ऑथर को देने के लिए और क्या आप उस टाइम में उसे याद कर सकते हो ज़्यादा याद कर सकते हो कम याद कर सकते हो फिर वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, है ना तो मैंने आपको बता दिया ये सब do नॉट do द मिस्टेक ऑफ़ नॉट डूइंग पी वाई क्यूज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डूइंग का मतलब अच्छे से टाइम लगेगा पी वाई क्यूज़ में अगर आपने तीन चार दिनों के भी करने हैं दिनों के नहीं मतलब तीन चार अटैम्प्ट के भी करने हैं तो भी आपको उसमें अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज लगेंगे मैं सिर्फ तीन चार uh, उसकी बात हूँ अगर अच्छे से करने हैं आप सोचो तो बाकी वो करने के लिए कितना टाइम लगता होगा लेकिन अगर आप पी वाई क्यूज़ बहुत अच्छे से करोगे ना आप ट्रस्ट में आपको बुक्स में कभी फिर ऐसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये ठीक है या नहीं ठीक है आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सी बुक में क्या करना है और क्या छोड़ देना है है ना ठीक है आई थिंक आई सेड इनफ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या मैंने कुछ कवर नहीं किया आप कॉमेंट्स में लिखो जरूर लिखो आई विल रिप्लाई टू इट मैं आजकल थोड़ा सा आई एम ऑक्यूपाइड क्योंकि मेरा एग्जाम है जिसके लिए मैंने हार्डली कोई पढ़ाई की है तो मेरे को वो पढ़ना है और पर uh, फिर भी आई लाइक आई लाइक टॉकिंग एंड आई लाइक टॉकिंग टू यू पीपल सो ठीक है आप कमेंट्स में लिख देना थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स हो सकता है पर मैं रिस्पॉन्ट पक्का करूँगी और कोई भी डाउट आपको कुछ भी लगे ना कि यार जैसे आप ये आपका ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है आपको लगेगा कि शायद मैं ये पर्टिकुलर चीज़ गलत बोल रही हूँ है ना आप लिख दो उसको कॉमेंट में आई ट्राई टू टेल यू कि क्यों क्यों मुझे लगता है कि वो सही है और मैं ऑब्वियसली हमेशा सही नहीं हो सकती हूँ आई आई कैन बी रॉन्ग बट यू राइट इट डाउन नेगेटिव क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो पॉजिटिव तो क्रिटिसम नहीं होता पॉजिटिव तो कमेंट्स होते हैं पर मतलब नेगेटिव अगर क्रिटिसिज्म भी है ना इट्स ओके बट थोड़ा सा मतलब uh, मतलब ठीक है कर देना इट्स इट विल हेल्प मी आल्सो ग्रो है ना इट विल हेल्प मी ग्रो तो और ग्रोथ uh, उसी से मिलती है जब आप जब आप किसी को बताते हैं जैसे मुझे किसी ने बोला कि हाँ आपकी जो पेंसिल से राइटिंग्स हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं आई विल मेक श्योर इन द नेक्स्ट वीडियोज़ कि वो नहीं हुई है मैंने पहले नोट्स बना दिए थे तो मैंने इसमें लिखा हुआ है अगलियों में मैं नहीं लिखूँगी ठीक है तो अब दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल हेल्प द अदर्स ऑल्सो है ना तो इट्स ओके इफ़ यू टेल थिंग्स एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू टोल मी है ना ठीक है चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं थॉमस होकली फाइनली तेरह मिनट में बोल चुकी हूँ ओके द लेटर टू क्यूपिड एंड द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेज ये दो वर्क्स हैं um, The letter to Cupid is about the defence of women against the satire on them, and it's also the reply to the idea of infidelity of female lover in Troilus and Criseyde. Troilus and Criseyde's story, we studied that you know uh, Criseyde was infidel; she was disloyal to her lover Troilus, and she married somebody else. Who was that somebody else? It was Diomede. Diomede she married, right? So obviously Criseyde has not been portrayed in a good light, right? So Chryseid, um it is shown in a bad light and that is why thomas hockley in letter to cupid is defending women he's defending women against this attire on them right twilight is was written by chaucer you know the regiment of princes again it speaks about the appropriate conduct of the princes the appropriate conduct how a prince should behave and what he should be like right and it was written to win the favor of henry v obviously it's written for the appropriate conduct of princes to normal yoga. it must be written for some royal person only and henry v henry v this is a very important play by shakespeare also you will do it in detail when you when you will do shakespeare i'll 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 also tell you about it but henry v is important एंड दिस वर्क प्लेस इज चौसर सो नाउ वन थिंग इज केयर हॉकलीव सीम्स टू लाइक चॉसर राइट सो अब हमें बस यही दो वर्क पता है मान लीजिए पेपर में आता है कुछ और ही वर्क नहीं सुना किसी ने और आपको शायद थोड़ी सी हिंट दे दी उन्होंने एग्जाम की चौसेस से रिलेटेड है या आप शायद उससे पता कर पा रहे हैं कि दिस इज रिलेटेड टू चौसर है ना और दिस रिफ्लेक्ट्स चौसर सम हाउ यू विल भी एबल टू गेस किए थॉमस हॉकलीवे लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों वर्क्स बड़े अच्छे से पता होना चाहिए थॉमस हॉकलीव का नाम लिया आपको ये दोनों एकदम दिमाग के आगे छप जाने चाहिए कि हाँ ये दोनों थे है ना दैट्स इट अबाउट थॉमस हॉकलीव आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है हॉकलीव इज नॉट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा गया है शायद दो और उसमें भी किसी में तो सिर्फ ऑप्शन में ही थे सो यू डोंट हैव टू नो इट इन डिटेल इट्स ओके अगर आपके पास टाइम है तो आप चौसौ रुपये लगाइए या किसी और राइटर पर लगाइए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोंट डोंट यूटिलाइज और कुट योर टाइम इं टू दिस ओके देन कम्स जॉन लिटगेट तीन वर्कस हैं इसमें एक्चुअली बहुत लोग बहुत वर्कस पढ़ते हैं लोग लेकिन ज़रूरत नहीं है आप उनको भी आइडिया लगा सकते हो अगर आपको ये तीन पता है ये किस बारे में लिख रहे थे ट्रॉय बुक द सीज ऑफ थीप्स द फॉल ऑफ प्रिंस आप देख रहे हैं सारे या तो बहुत ही दे आर वेरी क्या बोलूँ हाई काइंड ऑफ पीपल नॉट हाई मतलब एक स्टेचर है जिनके ट्रॉय बुक में भी इन्होंने उसी की बात की होगी इट्स ग्रैंड थीम है ना सीज ऑफ थीब्स इज़ ऑल्सो ग्रैंड थीम इट्स इट्स अ वेरी फेमस थीम थीब्स में क्या हुआ था एंड ईड एंड पर्सन यू नो द सन्स एंड आई विल टॉक अबाउट दिस एंड द फॉल ऑफ प्रिंस अगेन प्रिंिस नॉट अ नॉर्मल पर्सन ही इज टॉकिंग अबाउट तो आप अब देख रहे हो जॉन लेडियट किस टाइप के लिख रहे हैं वर्क्स लिख रहे हैं तो पेपर में गेसिंग हो जानी चाहिए अगर इस टाइप से कोई और वर्क आता है आपको शायद नहीं पता होगा यू कॉन्ट रिमेंबर ऑल द वर्क्स राइट तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि हाँ इन टाइप्स के वर्क्स लिखते थे तो ये 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 लिख सकते हैं है ना ट्रॉय बुक फिर आ गया द सीज ऑफ थीप सीज ऑफ थीप्स में क्या है? एक तो स्ट्रक्चर्ड लाइक कैंटेबरी टेल्स दैट hmm, मीन्स चौसर का इन्फ्लुएंस यहाँ भी है, है ना struggle for power between etiocles and polynices yeah oedipus Kisante, or oedipus you know he married his own mother he uh, by mistake if you don't know the story by mistake he did not know that she was his mother so oedipus married his own mother killed his own father unknowingly he did not know he was his father and ultimately when he realized the truth he 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 Blinded himself and he was exiled. And so then there was this power struggle between his two sons, which is a very normal thing, happens everywhere. So etiocles and Polynices keep may struggle of power has been shown in the Siege of Thebes. Nam he suggested the fall of princes. Yet, you know, you know, ultimately, even princes, princes who are very grand people, illustrious people, people who are um you know, who are who are not, not like normal people, bade log hai, um, like that's what princes were at that time. So, you know, even despite the fact that you were they were living such luxurious lives and everything, still they meet an end, and they meet a tragic end. Hein? How how do they die? Usually in a battle? So the fall of princes happens, and that is what he has talked about here, that you know, they meet a sudden end, a, a tragic end, even though they 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 live luxurious lives, henna? दैट इज़ अबाउट जॉन लिडगेट यू डू नॉट हैव टू नो एनी थिंग अदर देन दिस अगर आपको ऑलरेडी पता है वेरी गुड रिवाइज इट है ना पर अगर नहीं पता है ये बहुत है बहुत है चीज़ें अनलर्न नहीं करनी है अगर आपको कोई चीज़ आती है आप उसको याद करें अच्छे से याद करें अनलर्न नहीं करना है पर ज़्यादा लर्न नहीं करना है अब जो है पता लग गया आपको कि इतना ही पढ़ने की जरूरत है दैट्स इट राइट दैट्स इट अबाउट द वीडियो जॉन लिडगेट एंड थॉमस हॉकलीफ की मैंने सिंगल वीडियो बनाई है आई होप आपको आई आई एम एबल टू इम्प्रेस यू फैक्ट्स एंड वट एवर पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं दैट इट दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड इफ देर इज एनी डाउट इफ देर इज एनी थिंग यू वांट टू एड इफ देर इज समथिंग यू वॉन्ट टू आस्क इम्पोर्टेंट है या नहीं है गो अ राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ आई हैव द टाइम जो मतलब थोड़ा कम है पर आई विल रिस्पॉन्ड और अभी नहीं तो एक दो दिन में तुम तो रिस्पॉन्ड कर ही दूंगी और उसके बाद आई आई एम थिंकिंग कि मैं वो वीडियोज़ बना दूँ जो मुझे खुद एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है क्योंकि दैट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो है ना और अल्टीमेटली वो इंपॉर्टेंट भी हैं अच्छा एक और चीज़ के लिए मैं बात नहीं बताऊँगी बिगिनर्स वीडियो का पार्ट टू लाऊंगी उसमें बताऊँगी पर अभी बता देती हूँ वैसे अगर कोई सुन रहा होगा अभी तक आप अगर मास्टर्स में हैं ना तो जो टेक्स्ट्स वो नहीं करने हैं जो ईजी हैं वो टेस्ट करने हैं जो आपको यू जी नेट में हेल्प करेंगे अभी जैसे मुझे भी कल मुझे क्रिटिसिज्म का पेपर है मेरा है ना तो उसमें से मैं वो करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है टी एस सिलियट मैथ्यू वनल्ड दीज आर द थिंग्स आई दीज आर द पीपल आई एम गोइंग टू स्टडी एंड नॉट एरिस्टोटल्स पोल्टिक्स क्योंकि एरिस्टोटल पोलिटिक्स की जो दो तीन चीज़ें हैं वो सबको पता होती हैं एग्जामिनर को भी पता है और उनको ये भी पता है कि सबको पता है दे आर नॉट गोइंग टू आस्क टी ए सिलियट और मैथ्यू आनल्ड वो पूछेंगे बहुत पूछेंगे और पूछते भी हैं सो आई एम गोइंग टू डू दैट ये भी आपको थोड़ा सा अपना जब आप एग्जाम्स देते हैं ना तो आपको ये इस चीज़ का थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट उस चीज़ के लिए करना है जो इंपॉर्टेंट है ना कि जो सब कर रहे हैं या जिसमें नंबर स्कोर करना ईजी है है ना दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन ऑलराइट राइट देन दैट्स इट अबाउट द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय